चले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करवाएंगे, चाहे वो सियासी हलचल हो या आपसे जुड़ी हुई खबर हो। शुरुआत करते हैं आपसे जुड़ी हुई खबर के साथ ही। मध्य प्रदेश में बढ़ रही ठिठुरन के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, साथ ही न्यूनतम तापमान और ज्यादा गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। सोमवार को मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते लोगों को यात्रा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज भी छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में घने से अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को राजगढ़ में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक नमी के चलते शहरों में रात का पारा धीरे धीरे गिरने लगा है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह इस वक्त ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। पारा धीरे धीरे गिरता जा रहा है और उसके साथ ठंड रफ्तार पकड़ती हुई जा रही है। सुबह सुबह की तस्वीरें दोनों ही प्रदेश से कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घर से बाहर निकलते ही कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में आने जाने में जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। ऐसे में यातायात प्रभावित हो रहा है। और देखिए, घने कोहरे की वजह से सिंगरौली में भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। सबसे ज़्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। घने कोहरे की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। ठंड की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। आज के न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 12 डिग्री ये दर्ज किया गया। वहीं ठंडी हवाएं भी लोगों को परेशान कर रही हैं। तो देखिए, पारा गिरने की वजह से ठंड तो बढ़ रही है, साथ ही साथ जो ठंडी हवा है वो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रही है। सुबह और शाम दोनों वक्त इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि लोग ठंड से बचने के लिए गर्मी का सहारा ले रहे हैं। चलिए अब रीवा का हाल भी जान लेते हैं। रीवा जिले में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ती जा रही है और जिले में कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है। ठंड बढ़ने की वजह से सुबह के समय पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। तो रीवा की तस्वीरें, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो गिरता जा रहा है। ऐसे में ठंड बढ़ रही है, कोहरे की चादर आप देखिए, जिससे शहर जो है पूरी तरह से ढक चुका है। और जाहिर सी बात है, ठंड कुछ उस कदर पड़ रही है कि लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी एक बार सोचने को मजबूर है। देखिए, ठंड बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं। लोगों की कोशिश है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तो वो घर से बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो सुबह सुबह की जो तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके की ठंड इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पड़ रही है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अशोकनगर की। अगर आप अशोकनगर से हैं तो यहाँ का हाल भी आपको बताते हैं। अशोकनगर जिले में अगर देखा जाए तो ठंड बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। 9 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। यहाँ पर भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है और जाहिर सी बात है कि जब घना कोहरा छाया होता है, ऐसे में आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिले में किसानों की फसलों को भी लगातार इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ठंड पड़ने की वजह से पाला पड़ रहा है। ऐसे में फसलों की बात की जाए तो फसलों को कई तरह के रोग होने की संभावना भी हो जाती है ऐसे में, और साथ ही साथ फसलों को नुकसान की भी संभावना होती है। तो ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अब छतरपुर का हाल भी आपको बताते हैं। छतरपुर ज़िले में सर्दी का सितम जारी है। यहाँ ज़िले में ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं। ज़िले में घने कोहरे की चादर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो छतरपुर की तस्वीरें आप ज़रा देखिए, सड़कों की तस्वीर, और लोगों को इसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो छतरपुर में भी मौसम हाल कुछ ऐसा ही है कि घर से बाहर सड़कों पर दूर दूर तक घना कोहरा दिखाई दे रहा है। छतरपुर के बाद हम नज़र डाल लेते हैं सूरजपुर की। जी हाँ, सूरजपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए सूरजपुर की तस्वीरें,
एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का यहाँ पर बड़ा असर हुआ। बैंक के कमीशन एजेंट के खिलाफ यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। राशि गबन के मामले में पुलिस ने धारा 420 के तहत कमीशन एजेंट पर मामला दर्ज किया है। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया महगवा ब्रांच के कमीशन एजेंट पर 14 ग्राहकों के 20,57,000 रुपए जमा नहीं कराने का आरोप था। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तो चलिए अब फिर से एक बार मौसम से जुड़ी हुई खबरों पर नजर डालेंगे। कोरिया की बात कर लेते हैं। कोरिया जिले में दिन रात तापमान में गिरावट का दौर जारी है। बीते 3 दिन से रात का तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। 5 डिग्री तापमान, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी। और आज भी जिले का जो पारा है वो 5 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। मौसम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि तापमान में गिरावट का ये दौर आगे भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा और जल्द ही जिले का तापमान गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं जताई गई है। इसमें हल्की गिरावट ही हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि देखने को मिल सकती है। और देखिए कृषि विज्ञान केंद्र के जो कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये कहा कि ज़िले में आगे फिर से बादल छाए रहेंगे। ठंड के प्रभाव में कुछ कमी ज़रूर आ सकती है और ज़िले का जो तापमान है वो धीरे धीरे गिरता रहेगा। विदिशा की भी बात कर लेते हैं। विदिशा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला है। विदिशा में कोहरा, जी हाँ कोहरा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कोहरे की वजह से सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पर दर्ज की गई है। कोहरे की वजह से जहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आ रही हैं वहीं लोग गाड़ी की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर जाते हुए नजर आए। ठंड की वजह से शहर की सड़कें पूरी तरह से वीरान दिख रही हैं। सर्दियों के सीज़न में ये पहली बार मौका है जब विदिशा में तापमान 8 डिग्री के नीचे जा पहुंचा है। वहीं तापमान गिरने से हवाओं के बदलते रुख ने भी ठंड बढ़ाई है और ठंड से बचने के लिए लोग चौक चौराहों पर अब अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। घने कोहरे का असर ट्रेनों पर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली से भोपाल आने वाली सभी गाड़ियां काफ़ी देरी से चल रही हैं जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए किसानों की माने तो बढ़ती ठंड आने वाली फसल के लिए फ़ायदेमंद है। खासकर गेहूँ, चने और सरसों की फसल के लिए ठंड काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। तो देखिए मध्य प्रदेश में बढ़ रही ठिठुरन के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की। पहली 2 तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के विदिशा और रीवा शहर की हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहली तस्वीर जहाँ पर कोहरा ही कोहरा आपको नज़र आ रहा होगा, दूसरी तस्वीर रीवा की है। रीवा में भी कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंड की वजह से लोग घरों पर ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। तो वह दूसरी तस्वीरें आप नीचे देखिए, ये छत्तीसगढ़ के कोरिया और राजनांदगांव की है। कोरिया में आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक कोहरा ही कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो राजनांदगांव की बात की जाए तो राजनांदगांव में भी लोग सड़कों पर निकल तो रहे हैं लेकिन कम संख्या में ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की जहाँ पर तापमान जो है न्यूनतम वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है और धीरे धीरे ठंड रफ्तार पकड़ती जा रही है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही कहता है कि दोनों ही प्रदेश में आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ही तस्वीर लगातार देखने को मिलेगी।